रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने केप टाउन में इतिहास रच दिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए धमाकेदार पलटवार भी कर दिया। 1-1 से सीरीज बराबर हो गई और महेंद्र सिंह धोनी के जाके बराबर रोहित शर्मा खड़े हो गए। अगर साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज के इतिहास के बारे में बात करें, धोनी के बाद दूसरे कप्तान बने जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ की हो। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब उनसे सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान की सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं आप, जवाब में रोहित शर्मा ने कहा, दिमाग लगा रहे हो, अभी सिर्फ केप टाउन की बात करते हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा और लगातार उनसे क्यों ये सवाल पूछे जा रहे हैं। फाइनल फ्रंटियर की हम बात करते हैं, वो तो 1-1 से सीरीज बराबर हो गई, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप 2023 जब से खत्म हुआ है तब से एक सवाल सभी के मन में कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। हर किसी के मन में यही सवाल है और जवाब हर कोई चाहता है रोहित शर्मा और विराट कोहली से और BCCI से भी, लेकिन अभी तक जवाब मिला नहीं है क्योंकि जब जब रोहित से पूछा गया उन्होंने आनाकानी करते हुए जवाब को टाल दिया। पहले मैच की शुरुआत से पहले उन्होंने कहा कि आपको जवाब मिलेगा लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, और जब अब उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में खेलेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा रुक जाइए, अभी केप टाउन की बात करते, अफगानिस्तान के बारे में बाद में बात करेंगे। आपको बता दें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली जानी है 11 जनवरी से, 3 मुकाबले खेले जाएंगे T20I सीरीज के। अब उसमें देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने आखिरी बार भारतीय जर्सी में T20 फॉर्मेट 2022 में खेला था, जो कि T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद से इन्होंने सिर्फ वनडे पे फोकस किया और T20 से तौबा तौबा कर ली। लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबर ने यह बता दिया है कि रोहित और विराट पूरी तरह से है तैयार T20 वर्ल्ड कप को खेलने के लिए और वो सपना साकार करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सेलेक्टर्स इनको दोबारा मौका देते हैं या फिर अब BCCI विराट कोहली और रोहित शर्मा से T20 फॉर्मेट में आगे बढ़ चुका है।